Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे. हम लोग बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. सो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज मैं रोल पराठा बना रही हूँ. लेकिन मैं पराठा नहीं बना रही हूँ, मैं रोटी के साथ बना रही हूँ, क्योंकि वो फिर हैवी हो जाता है. तो मैंने सोचा आज क्यों ना हस्बैंड के लिए थोड़ा सा स्पेशल खाना बनाया जाए. और जब भी मैं स्पेशल खाना बनाती हूँ ना, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ओवर हो जाता है. तो अच्छा भला जो है वो मैं चिकन रोल बना रही थी, और एकदम से मेरा प्लान बना कि चलो यार थोड़ा सा ना पास्ता भी बना लेती हूँ. तो वो फिर थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो गया, एक्स्ट्रा ही हो गया. सो पास्ता की रेसिपी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है प्रॉपर बना के, और आज मैं उसमें चिकन ऐड कर रही हूँ. लास्ट टाइम मैंने उसमें प्रॉन्स ऐड किए थे, और ये पास्ता मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगने लगा. मेरे हस्बैंड को पहले पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैं जब बनाती थी तो कोई नहीं खाते थे, थोड़ा सा खाते थे वो, बस मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लेते थे, और बताते भी नहीं थे कि नहीं कि उनको पसंद नहीं है. और मुझे तो बताया नहीं है, तो मुझे कहाँ से पता लगे कि आपको अच्छा नहीं लगता. तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने इस तरह से रेसिपी बनाई ना, तो वो उनको अब अच्छा लगता है. और आप तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, एक स्पून भी नहीं छोड़ते हैं यार. तो अब तो कभी कभी खुद भी बोल देते हैं कि मुझे पास्ता खाना है, मुझे पास्ता खाना है. तो पहले तो कभी नहीं ऐसे बोला, मौत जाओगे. तो रेसिपी जो है वो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, डिटेल में आप लोग जाके देख सकते हैं. ये बात तो बिल्कुल सही है, 100% मैं इसके साथ एग्री करती हूँ. पहले नहीं करती थी, अभी करती हूँ. कि शोहर है ना, उनको अगर आपने उनका दिल जीतना है ना, तो उनको अच्छे से खाने बना के खिलाओ. अच्छे अच्छे मतलब डिफरेंट होने चाहिए. ये नहीं कि बस दाल सब्ज़ी रोटी, मतलब सिंपल नहीं बनाने चाहिए, कुछ डिफरेंट कुछ न्यू ज़रूर करना चाहिए, ठीक है. तो वाकई में है ये कि आप मर्द के पेट का नहीं, पेट से हो गया जाता, दिल का रास्ता पेट से हो गया जाता. अच्छा जी, अभी मैं रोल बना लेती हूँ. मैदा वैसे खाने का मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन अब क्या करें, जब क्रेविंग होती है ना तो बंदा पीछे मुड़ के देखता भी नहीं. सो चिकन जो है उसको मैंने सिंपली जो है वो थोड़े से मसाले डाल के ग्रिल कर लिया है, फ्राई पैन में डाल के ही. और इसके बीच में मैं केचप डाल रही हूँ, मायोनीज डाल रही हूँ, थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस डाल रही हूँ, और उसके बीच में मैंने प्याज डाला, क्योंकि प्याज इसमें बहुत ही मज़े का होता है. और कुछ भी लेटिस वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, खीरे वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस इसमें सिर्फ प्याज डालती हूँ, वो बहुत ही मज़े का होता है, ठीक है. तो अभी जल्दी से हम लोग बना लेते हैं अपने रोल बना लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग खाना छाना खाते हैं. खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, पास्ता भी बन गया है. इसको मैंने रोल को जो है वो मैंने अब दोबारा से तवे पर रख दिया, ताकि गर्म हो जाए, क्योंकि वो ठंडे हो गए. तो पास्ता भी हम लोगों का रेडी है, और खाना जल्दी से खा लेते हैं, और फिर उसके बाद. तो खाना पीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का खाना बना था. और अभी जो है हम लोग किचन साफ़ कर रहे थे. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन क्या होती है, ठीक है. और अच्छा, किचन को साफ़ रखने के लिए कुछ हैबिट्स हैं जो आप लोगों को चेंज करनी होती हैं, आदतें जो हैं वो आपको अडॉप्ट करनी होती हैं, ठीक है. सबसे पहले ये कि आप लोगों ने अपनी, अच्छा मेरे पास ना छोटा किचन है. छोटे किचन का ये कि आप अगर बाहर सारा सामान रख दोगे, ज़्यादा चीज़ें बाहर होंगी, तो आपका किचन जो है वो गंदा भी लगने लगता है, और ही छोटा लगने लगता है, ठीक है. अगर आप लोगों का छोटा किचन है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अंदर रखें, स्लैब जो हैं वो सारी क्लियर रखें, और बर्तन जो हैं वो जो साफ़ हो गए हैं, जो ड्राई हो गए हैं, उनको उनकी जगह पर ही रख दें, ठीक है. और दूसरी बात ये कि शेल्फ़ पे आप लोगों ने कभी भी कटिंग नहीं करनी है, ठीक है. क्योंकि शेल्फ़ पे जब आप कटिंग करते हो, या स्लैब पे आप कटिंग करते हो, तो वो सारा कचरा जो है वो आप
उसके स्लैब पे पड़ा होगा, फिर आप वहाँ से उठाओगे, वो शेल्फ़ जो है वो भी ख़राब हुई होती है, उसके ऊपर दाग पड़े होते हैं, और उसको भी आपको क्लीन कर, आपका काम मतलब डबल हो जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप लोग कटिंग कर रहे हो, कोई चीज़ काट रहे हो, तो आप लोग कोई नीचे प्लेट रख लो, बास्केट रख लो, चॉपर रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो इससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा, शेल्फ स्लैब भी नहीं साफ़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, वैसे मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, मैं बास्केट रख लेती हूँ, छोटी सी बास्केट रख लेती हूँ, उसमें सारी कटिंग कर लेती हूँ एक ही बार, ठीक है। उसको बार बार मैं फेंकती नहीं हूँ, और एक ही बार सारी कटिंग करके और एक साथ ही मैं उसको फिर फेंक देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्लैब पे जो है वो कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब पानी के निशान आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं लेकिन साफ़ हो जाते हैं, इन चीज़ों के निशान आ जाते हैं, कोई भी आप लोगों ने उसके ऊपर कटिंग की हो, पानी गिराया, कुछ भी, उसके निशान आ जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। और तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ से स्लैब को क्लियर कर दूँगी, सारी चीज़ें यहाँ से उठा दूँगी। अच्छा, ये स्पून का जो है ना, इसमें मुझे थोड़ी सी करनी है, क्योंकि ये बहुत बुरी यहाँ पे लगती हैं, क्योंकि इक्वल हो ना तो फिर भी अच्छा लगता है। कुछ बड़े स्पूनस हैं, मतलब खाना बनाने वाले बड़े बड़े चमचे पड़े हुए बीच में, तो वो सारे जो हैं वो बुरे लगते हैं, तो इनका बंदोबस्त मैंने करना है। उसके बाद जो है हम लोग करेंगे सब चीज़ों की ना आपने प्रॉपर जगह बनाई हुई हो, ठीक है। किसी चीज़ का ये ना हो कि इधर रोलर है उधर रोलर है, और खाना बनाने के बाद सारी चीज़, वैसे तो मेरा ये होता है कि मैं साथ साथ सब कुछ करती हूँ, अब मसाले अगर मैं यहाँ से यूज़ कर रही हूँ तो मैं उनको साथ साथ ही रखती जाऊँगी। अगर आप साथ साथ नहीं भी रख रहे हैं ना, तो आप खाना जब बना लें तो प्रॉपर अपनी कैबिनेट को जो है वो रीअरेंज कर लें, उसी टाइम ही कर लें, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का काम ज़्यादा बढ़ जाना है नेक्स्ट डे के लिए, या नेक्स्ट आप लोगों ने जब भी उसको करना है ना, तो वो काम जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। सो काम जो है उसको टाइम पर करना सीखें, टाइम पर करने की आदत डालें। चलें जी, सारी चीज़ें मैंने जो हैं वो अपनी जगह पे रख दी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बर्तन धो लेते हैं, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो प्रॉपर डिश रैक नहीं रखा है कि मैं बर्तन धो के उस रैक में रखती जाऊँ, क्यों, क्योंकि मेरा किचन जो है वो बहुत ही छोटा है, तो उसको भी मैं रखूँगी तो मेरा किचन जो है वो और ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। जितना सामान मैं कम रख सकती हूँ या कैबिनेट के अंदर हो सकता है, तो वो उतना ही अच्छा प्रॉपर सेट लगेगा, ऑर्गेनाइज्ड किचन लगेगा मेरा, ठीक है। सो मेरे पास जो है यहाँ पे स्पिनर पड़ा हो तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, उसके नीचे कभी मैं ट्रे रख लेती हूँ, ऐसे मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और क्योंकि बर्तन जो है वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद सारे जो है वो कैबिनेट और अपनी जगहों पे चले जाते हैं, तो बाहर जो है वो उसका एक मतलब उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए, तो मैं वो जगह नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। उसकी जगह मैं कुछ और यूज़ कर लूँगी। सो चूल्हा जो है वो मैं रात को ज़रूर क्लीन करके सोती हूँ। आप लोगों ने देखा है कि डीप क्लीनिंग चूल्हे की हुई हुई है, बस थोड़े थोड़े स्टेन होते हैं, जो हम लोगों ने खाना बनाया ना अभी, उसके थोड़े थोड़े स्टेन्स होंगे, तो उसको रिमूव टाइम पे ही कर लें, जैसे ही स्टेन्स पड़े हैं उसी टाइम ही रिमूव कर लें। सो यहाँ पर मैं जिप की स्प्रे करूँगी और ऊपर बस एक साफ़ी ले कर और उसको क्लीन कर दूँगी, ठीक है, तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। सो अब लगा लेते हैं ब्रश, क्योंकि खाना वगैरह बनता है, रोटी बनती है, उसका आटा वगैरह गिरता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गिरती हैं, ठीक है। तो ब्रश जो है वो रात को मैं लाजिम लगाती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं लगाती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता फिर सोने का। तो अच्छा, सुबह का ब्रश मैं स्किप कर भी सकती हूँ, लेकिन मैं रात का नहीं करती हूँ। रात को पता नहीं क्यों अजीब सी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब मेरा किचन क्लीन होता है, ब्रश लगा होता है, बर्तन सारे वॉश हुए होते हैं, सब कुछ क्लीन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है, सुबह हो ना हो, बस रात को मुझे क्लीन किचन चाहिए होता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ब्रश लगा लेंगे, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सुबह हम लोग ब्रश दोबारा लगा के और फिर उसके बाद जो है वो मोप लगा देते हैं। रात को मोप नहीं लगाती हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग ब्रश लगा लेते हैं, उसके बाद जो आप लोगों ने किचन के टॉवल्स यूज़ किए हैं अभी, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्लैब साफ़ की है, उसके बाद हम लोगों ने चूल्हा साफ़ किया है, और भी चीज़ें साफ़ की है मैंने उससे, तो वो सारे जो हैं वो मैं रात को ही उनको क्लीन कर दूँगी, ठीक है। मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ूंगी, कल के लिए, परसों के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके जो दाग उसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके अंदर जो स्मेल आ रही है ना, वो फिर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं पानी यहाँ पर मैं स्टॉप करके इसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल के थोड़ा सा डिश
डिशवॉशर डाल के इन सब टॉवल्स को जो है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भिगो दूंगी, और तब तक मैं थोड़े एक दो काम हैं मैं वो कर लूँगी, और उसके बाद जो है सोने से पहले मैं इनको क्लीन करके बाहर डाल दूंगी, ठीक है। सो सुबह के लिए मेरे जो किचन के टॉवल्स हैं वो बिल्कुल रेडी होंगे, सुबह मुझे फिर कोई खज्जल हुआ नहीं होगी। तो जी हम लोगों का किचन साफ़ सुथरा हो गया, चमकदार हो गया, सुबह के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि सुबह जब मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए आती हूँ ना, सुबह जब आप लोग किचन में एंटर होंगे ना, आप लोगों का किचन साफ़ होगा ना, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन, अलग ही खुशी होती है, ठीक है। और गंदा पड़ा होगा ना तो अजीब सा मूड हो जाता है, वहीं सुबह सुबह लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए काम जो है उसको टाइम पर कर लें, और क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं बाद में अगर बढ़ गया तो फिर डबल ट्रिपल मेहनत लगेगी, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप लोग पहले ही उसको साफ़ सुथरा कर लें, ठीक है। सो अब ये बर्तन सारे पड़े हुए हैं, इनको मैं सुबह जब नाश्ता बना लूँगी उसके बाद जो है मैं इनको दोबारा इनकी जगह पे रख दूँगी, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।